अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी का नाम है अंडा टिक्का मसाला। चलिए फ्रेंड्स, ये अंडा टिक्का मसाले को क्या क्या मसाले लगते हैं, उसे कैसे बनाते हैं, चलिए देखेंगे। यहाँ पर मैं सारे मसाले निकाल के रखी हूँ और देखो यहाँ सब। और मैं यहाँ पर 7 अंडे ली हूँ। ये अंडे को मैं उबाल के अच्छे से धो के यहाँ पर रख ली हूँ, 7 अंडे ये। और मैं यहाँ पर बड़े साइज़ की प्याज छोटी छोटी कट करके एक कटोरी में डाली हूँ। एकदम छोटी छोटी कट कर ली हूँ मैं ये प्याज को, ये देखो आप भी। और यहाँ पर मैं एक छोटी कटोरी दही ली हूँ, मेरे पास एक टेबल स्पून 3 स्पून रहता है वो। और एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून, धनिया का पाउडर 1 स्पून, हल्दी का पाउडर आधी स्पून, और भुना हुआ जीरे का पाउडर आधी स्पून, और गर्म मसाला आधी स्पून, काली मिर्च पाउडर थोड़ा, आधी स्पून से थोड़ा कम, और यहाँ पर थोड़ा ज़ीरा, दो इलायची, 1 इंच का लौंग चकला, और इसमें यहाँ पर थोड़ी कस्तूरी मेथी रखी हूँ, और यहाँ पर कोथिमीर और पुदीना, हरी मिर्च 3 डाली हूँ, 1 बड़ा साइज़ का टमाटा कट करके रखी हूँ, 1 हरी मिर्च को बड़ी पीस में कट करके रखी हूँ। आप चाहे खार कितना चाहे उतना डाल ले सकती, और मैं यहाँ हमारे टेस्ट के मुताबिक खार रखी हूँ, और उसके टेस्ट के मुताबिक साल डाल लेना। ये सारे मसाले यहाँ पर निकाल रखी हूँ। चलिए अब अंडे बारीक कट कर लेंगे। अंडों को आप चाहे अंडों को कोसा शेप देना चाहते हैं दे सकती हैं, या दो अंडे में दो कर सकती हैं, या बारीक बारीक भी कर सकती हैं। अब मैं जिस तरह काटती हूँ ऐसा बारीक भी काट सकती हैं। अब क्या शेप देना चाहे अंडे को दे ले सकती हैं। अब सारे भी हूँ रख ले सकती हैं कट लगा कर। और मैं ना ऐसा बारीक पीस बनाती हूँ, और ये देखो सारे मैं कट कर ली हूँ अंडे को। अब इसे साइड में रख लेंगे। अब मैं एक जार लेकर इसमें हरी मिर्च, कोथिमीर, पुदीना और एक टमाटा डाल के इसे अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर ले चूँ। और ये देखिए मैं अच्छे से इसे मिक्सी में फिरा ली हूँ, और ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पानी भी रख ली हूँ थोड़ा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं स्टोव लगा के कढ़ाई रखी हूँ। कढ़ाई में एक बड़ी चम्मच तेल डाली हूँ फुल। ये देखो तेल अच्छे से गर्म हो गया। और मैं ज़ीरा, इलायची, लौंग चकला दाल डाली हूँ उसमें। डाल के इसे हल्के से फिरा लेती हूँ। चलिए इसमें साथ में प्याज दाल डाली हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें प्याज को लाल करना नहीं है, थोड़ी नरम है इसे तो हमें प्याज को पका लेना है। चलिए अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल डालेंगे। देखो सिर्फ इतना पकी तो बस प्याज लाल करने की ज़रूरत नहीं है प्याज को। और ये देखो अदरक लहसुन डालने को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसे अदरक लहसुन को भी अच्छे से पका लेती हूँ। एक लहाजा अदरक लहसुन को मैं थोड़ी देर पका ली हूँ। और मैं जो मिक्सी में ग्राइंड करके रखी थी टमाटा और कोथिमीर सब हरी मिर्च वो सब है पेस्ट इसमें डालती हूँ। अगर इसे भी डाल के थोड़ा पानी जार में डाल के फिर आकर फिर इसमें डाली हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे सबको। ये देखो अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं ना साल्ट 1 स्पून डालती हूँ, टेस्ट के मुताबिक डालना चक्कर। इसमें ज़रा ज़्यादा पड़ गया तो टेस्ट बिगड़ जाता, कम है तो भी टेस्ट अच्छा रहता नहीं। बराबर देख कर डाल लेना इसे चक्कर, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स करती हूँ। इसे अच्छे से पका ली हूँ। अब मैं इसमें एक स्पून मिर्ची का पाउडर डालती हूँ, और जो यहाँ पर रखी थी मैं सारे पाउडर, हल्दी का पाउडर, जीरे का पाउडर और धनिया का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर और गरम मसाला सब साथ में डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं इन सभी को। ये देखो इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। 5 लहाजे से यूज पकने के वास्ते खिला छोड़ चूँ, मिलाती हुई लगे नहीं सका। 5 लहाजे पका लेती हूँ जी। और मैं 5 लहाजे अच्छे से पका ली हूँ। अब मैं इसमें दही ऐड कराती हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। देखो मैं अच्छे से इसे मिक्स कर ली हूँ, और ये पकने में तेल अच्छे से छूटता है। और है ना मैं इसमें पानी डाली हूँ थोड़ा पकने के वास्ते, इसे भी अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर ढक के पका ले चूँ। ये देखो मैं 7 लहाजों के वास्ते अच्छे से इसे पका ली हूँ, 6-7 लहाजों के वास्ते। और तेल भी देखो अच्छे से निकल पाया मसाले में से। चलिए अब इसमें हमें जो मैं कट करी थी बड़ी हरी मिर्च
वो साथ में डाल देंगे इसे। ये देखो ये हरी मिर्च और कस्तूरी मेथी थोड़ी इसमें डाल देंगे। इसे भी थोड़ी देर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेको, थोड़ी देर पका लेंगे इसे भी। फिर से इसे थोड़ी देर भी ढक के पका ले चुमें थोड़ी देर सिर्फ। ये देखो एक दो तीन हाथों हंसते में पका ली हूँ मैं इसे। और इसमें अब थोड़ा पानी डाल लेंगे, इसमें मैं पानी डालती हूँ। मैं एक गिलास को थोड़ा कम पानी डाली हूँ उसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर ले चूँ मैं, अभी इसे मिक्स कर डाली हूँ। थोड़ी देर ढक के पका ले चूँ इसे। अब ये देखो एक पान लाजे इसे पका ले चूँ मैं यहाँ ढक के। ये देखो मसाला पूरा अच्छे से पका है और है ना तेल सेपरेट सेपरेट होता है। और चलिए अब इसमें जो उबाल के रखी थी अंडे कट करके वो डाल डालेंगे इसमें। और इसे ज़्यादा है ना मिक्स करना नहीं है, ज़्यादा हल्के से ऐसा फैला के रखना है ऐसे। और ज़्यादा मिलाने से भी है ना बुकनी हो जाती है अंडे और देखने में भी अच्छे दिखते नहीं। और चलिए हमें हल्का हल्के से धीरे से इसे साइड से एक हल्के से मिला को पकने के वास्ते थोड़ी देर ढक के छोड़ी हूँ। और ये देखो माशाल्लाह बन के अच्छे से रेडी हो गया है, अच्छे से पक गया है। चलिए अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हमें बन को रेडी हो गया है। आप ज़्यादा ढीला होना तो भी ढीला रख सकते हैं या नहीं आपको ठीक पूरा ना गाढ़ा रहना आपको गाढ़ा भी रख ले सकते हैं। चलिए अब मुझे बराबर है, मैं दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अंडा टिक्का मसाला बनके रेडी हो गया है, खाने में एकदम बेहतरीन है। और आप भी ज़रूर से ये रेसिपी आप भी ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखो, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर से पसंद आती। रोटी में खा सकती हैं, खाने में भी खा सकती हैं, इसे चीले में हो या पूरी में सब में आराम से खा सकती हैं, इसे नान में या ब्रेड में भी खा सकती हैं। एक बार आप भी ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखो, आपको भी ज़रूर से पसंद आती। आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, जुमेरात के दिन का वीडियो है और मैं नाश्ता बनाने के वास्ते बैंगन को भूनती हूँ और एक कुदन खिचड़ी के वास्ते रेडी करके रखी हूँ मैं। और यहाँ पर चटनी है ये खोपरे की, इसके वास्ते मैं है ना बैंगन और हरी मिर्च खोपरे को भूनती हूँ एक साइड में। ये देखो इससे भी अच्छे से भून रही हूँ मैं। ये साइड में खिचड़ी बनती है मेरी, मसाला तल के छोड़ी हूँ यहाँ पर एक साइड और मैं इस तरफ खोपरा भूनती हूँ। और ये लग जाते इसके वास्ते मिलेंगे और को देखती हूँ बार बार। एक एक तरफ चावल भिने डाली हूँ और ये है ना चटनी बना डाली मैं, फिरा डाली मिक्सी में और खिचड़ी भी बनके रेडी हो गई है। यहाँ देखो माशाल्लाह खिचड़ी भी बनके रेडी हो गई है। बच्चों सबको अभी खा के स्कूलों को भेजने का है, इन सबको बोलती हूँ उठो। और को अभी नहीं सुबह है ना, अभी बर्तन धोने वाला का टाइम अभी आना है, उन्होंने अभी आना ही। ये देखो दोजने सोते हैं दोनों भाई भाई, मस्त होकर सो जाते हैं दोजने भी ना। देखो सुबह का नाश्ता वेस्टा हो गया, दोपहर का दो होता टाइम, दोपहर का दो होता टाइम ओके। इसे चेंज कर डाली हूँ, इधर रख डाली हूँ पूरा अंदर सब अच्छे से नीट से कर डाली हूँ पोंछ के अभी धूल गिरने इसका पानी से। अभी फिर ये सब यहाँ है तो इसके रास्ते से अंदर यहाँ रखी हूँ अंडे हैं इसमें। और ओवन के यहाँ रख डाली हूँ, ओवन के ऊपर का आप जरा सेकने का है। और ओवन को इस तरफ रख डाली हूँ, मिक्सी को अब रखती इधर इधर बाजू खिसा के रख डाली हूँ। और यहाँ थोड़ी मुझे प्लेस मिली, अब देखो अभी ये पूरा इधर है इस तरफ है इसे उठा डाल चुके यहाँ रखती नहीं फिलहाल। अभी सेती हूँ, अभी पोंछ के क्लीन करी हूँ इसे। इसके वास्ते अब खाना डाली थी, दाने भी पड़ गए। देखो रेहन खा को थोड़ा बचा रख दिला, अब पूरा यहाँ सब अच्छे से क्लीन करके ये सब रखी हूँ उछले गई घर पूरा। और बर्तन वाली तो सुबह ही आके 9:30 बजे धो दाल को चल गए। और मैं ये अभी साफ करके क्लीन करके इसे यहाँ रख दिली हूँ। मैं ओवन को ज़्यादा यूज़ करती ना हूँ इसके वास्ते इसे यहाँ रख दिली हूँ। और ना कस्टम पर हाँ वही रहे इसकी, इसे निकाल ले को मैं इसे यहाँ लगा ले सकती हूँ। और चूँकि यूज़ करें इस टाइम पर ज़्यादा कई कुछ यहाँ आड़ा रखना रखो, मैं इस तरफ फिरा कर रख दिली हूँ उसे। और देखो थोड़े
बर्तन आओ थोड़े भर गए हैं फिर से आप को रजा देता लेंगे तो नस तो खाते बैठे हैं। स्कूल से गनी आया, 1:30 बजे आया गनी स्कूल से, और थोड़े कपड़े डाली हूँ मैं इसे, बेड कवर डाली हूँ, धुलते हैं अभी कपड़े हैं, ये कपड़े भी डालना का है और ब्लैंकेट भी है। अब धूप का लाया ना इसे धो को उठा रख दे यार को इसे, इसका ये बेड कवर धुल जाने के बाद ब्लैंकेट को डाल चु, सीधा बैठ कर खाना खाएगा वो ऐसा खाता। ये देखो मैं वॉकिंग के वास्ते ऊपर आकर हूँ और ठंडी हवा चलती है, अच्छा थोड़ी गर्म भाप भी है नीचे, ये सब क्लाइमेट हो के तो अच्छा है क्या। ये देखो सूरज डूब गया है, और मैं कपड़े ले थे बारीक डालने के वास्ते, ये सब बारीक डाल डाली हूँ कपड़े में, और ये टब जाने के टाइम उठा ले जाए जो सब बारीक डाल डाली हूँ। काफ़ी रोज से है ना रेहान हंके को लगड़ के ऐसा रोता था, भड़का होते ही मुझे रे मुझे देखने बरबर होता ना है, बरबर दिखता ना रखो भी रहना। मैं रात में जुमेरात के शाम में डॉक्टर के पास बुला लगे रेहान के डैडी, और जाग दिखाने से साइड हेयर को बोले डॉक्टर से, और इसके वास्ते ऐना का डॉक्टर का जाग दिखा ले को बाद में नंबर दिया डॉक्टर लिख के दिया, और यहाँ पर आके से ऑर्डर देने के वास्ते चश्मे के वास्ते आई हैं, और फ्रेम सेलेक्ट करें और ये देखता है दाल को से अच्छे दिखती घर को, और ज़रा झुके तो गिरे नहीं सही से देखो दाल को बोलूँ, ये देखो एक्टिंग कोसे कोसे करके दिखाता है, और एक फ्रेम सेलेक्ट करे हमें फिर देख आए, और मेरा मुझे भी दिखा ली मैं भी, और मेरा भी थोड़ा अलग से नंबर बढ़ाया है, और इसके वास्ते वो दे डालने के बाद फिर से मैं रिलायंस गई थी। रिलायंस जाने के बाद एक अचार का बॉटल और थोड़े सौदे थे लेने के मसाले के, वो सौदे ले कर रही हूँ मैं, और ये है ना मिक्स अचार ये भी ली हूँ, और ये बिरयानी का मसाला कहते एक बार ट्राई करेंगे यार को वो ले कर रही हूँ, और ये कश्मीरी लाल मिर्च वो भी ले गई हूँ, और एक पाउडर था मिर्ची का खाने में खाती हैं साथ में वो भी ले गई हूँ, और ये फ्रूट कस्टर्ड पाउडर वो भी ले गई हूँ, कस्तूरी मेथी भी ले कर रही हूँ, और ये चिप्स बच्चे के बिस्किट है, और ये पनीर भी थोड़ा ले गई हूँ बड़ा नहीं ले गई बल्ला का, और ये है ना समोसे के ये भी ले गई हूँ मैं, और समोसे इसे बेलने वास्ते ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसके रेडीमेड के ये मिल गए तो आराम से बना ले जाए हमें, और ये है ना तुरपने के लिए मुझे ऐसा नहीं था मेरे पास, इसके वास्ते मैं एक ये मूली बड़ा था और बड़ा कहीं को बस इस पुरतावर को मैं एक ले लग रही हूँ, ये भी तुरपी जैसा है आपके बात हम क्या बोलती हैं हमें तो तुरपी के जैसा तुरपी बोलती हैं इसे, और इतना सब कुछ ले लग गई हूँ, और ये देखो रेहान छत के बैठ गया देखता है, और ये वीडियो है जुमे का, आप सभी को जुमा मुबारक हो, और ये जुमे का है, और इन्हें ना कहाँ गया रेहान और बोलती हूँ तो उसके भैया को ना हंसता है नीचे से, और मैं झक के देखी तो इन्हें नीचे जाकर छपको बैठ गया है, और इन्हें का ऑर्डर दिए थे से ना जिन्हें जुम्मा के दिन शाम में देती हूँ बोले, और अच्छा चलो घर को आज शाम में देती जुम्मा है ना आज शाम में देती इनको बोले ही, और चलिए शाम तक आ जाती है रेहान के ऐना काम भी, अब रेहान भी कंपलसरी ऐना काम डालना पड़ता है, और ये फोन देख के ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पर मैं दोपहर का बनाती हूँ, यहाँ पर नाश्ता तो हो गया हमारा सुबह में, ये दोपहर का है, मैंने दोपहर में खाना बनाई, खाने के साथ भिंडी का भुर्ता बनाई, और ये सब बाजू के कुकर में साइड में हम भुर्ता बनता है रेडी है, और मैं इधर चावल चढ़ा के छोड़ी हूँ, ये अंडे उबाल के रखे हैं चकना बनाने के वास्ते, लहसुन छिलती बड़ी थी, और नमाज का टाइम होता था, और गनी है ना पानी नहा के आके रेडी होता है नमाज को जाने के वास्ते, और रेहान को बोली जागर को, रेहान है ना नहीं को बोल डाले, और मैं बोली रेहान को बुला ले जागर को भेज और को बोला, और मैं बोलते ही रेहान पानी नहाया ना है से रेडी हो जाना है, मैं ना पेट में दुखता था इसके वास्ते मैं सो के थी,
और एक बार बुला ले जज लोअर को, बोल को अच्छा जा का तू मम्मा और को बोल के चल गा गनी मास को, और बालाम भी सीधा पहुँचाना है गनी हूँ चल गा मस्जिद को। ये देखो खिड़की में कितनी सारी धूल है, दौर उसके माथे झटकते जाओ धूल आ जाती जाती। मैं टोपी बाद में लगा ली चुमा, अब धूप में गए तक बालां सूख गया थी उनको, बोलता है फिर से आके और अच्छा जा घर को जाओ, बोली जाता है मस्जिद को। और थोड़ी देर में ही नमाज पढ़ के आ गए, जल्दी आ गए जल्दी आ गए, इतना जल्दी छुट गई नमाज आ 20 मिनट ही आवा धोते सिंह बराबर हो गए नी। ए आ नीचे से निकल का, सुबह से देखती हूँ मैं तेरा सिर पकड़ खाई जला है। उसके ने मारा खाने वास्ते है काम करते हैं। ना जो मोड़म ज़्यादा है, ये देखो एकाएक सुबह से अच्छी धूप निकली है, अब है ना एकाएक मोड़म आ गया है। बास भी है ना कहाँ की दूर बारिश प्रेस का है, बास आती मट्टी के। ये देखो कितना सारा मोड़म आ गया, पढ़ा तो इंशाल्लाह पढ़ेंगा, पढ़ा तो अच्छा रहता है, पर पढ़ा तो अच्छा जोर से पढ़ना, लेट से पढ़ा करना, गर्मी फिर शुरू ज़्यादा हो जाती है।